सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर की भरी हुई डायरी देखेंगे। ये डायरी आपको समृद्ध मॉड्यूल और उपचारात्मक शिक्षण की कार्य योजना के अनुसार भरी हुई मिलेगी। भरी हुई प्रेरणा तालिका देखेंगे, तो ये देखिए प्रेरणा तालिका है क्लास 2 की, गणित की। यहाँ पर पहले नंबर की दक्षता है, बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। तो सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, बच्चों के नाम लिखेंगे और एक तालिका में अधिकतम 30 बच्चों के नाम आ जाएंगे। अगर आपकी क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप दो तालिका का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब दक्षता के आगे जो खाने बने हुए हैं बच्चों के नाम के नीचे, तो ये देखिए हमने कासिम के नाम के नीचे लिखा है अक्टूबर 21 और सही का निशान लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि कासिम ने ये दक्षता अक्टूबर महीने में हासिल कर ली है, इसीलिए हमने अक्टूबर 2021 लिखा है और सही का निशान लगाया है। दूसरा बच्चा है संजीव, संजीव ने इस दक्षता को हासिल नहीं किया है, तो उसके आगे हमने क्रॉस का निशान लगाया है और अक्टूबर 21 लिखा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जिस बच्चे ने जो दक्षता हासिल नहीं करी है तो उसका जो बॉक्स है आप पेंसिल से भरेंगे, क्योंकि अगर यह बच्चा नवंबर में दक्षता को हासिल करता है तो आपको वहाँ पर नवंबर 21 लिखना पड़ेगा, तो उसका नाम आप पेंसिल से लिखें। अब हम देखते हैं, ये देखिए क्लास 1 की कार्य योजना है। इस कार्य योजना का वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है आपको और इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गतिविधि है, एक जैसी चीज़ें, चित्र चार्ट दंगल, कविता मुर्गीमा, बर्ड पहचान पर कार्य च, मेज टेबल मापना, ये गणित की गतिविधि है, और 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। अब ये कविता मुर्गीमा, लर्निंग आउटकम, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, चित्र चार्ट दंगल, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, बर्ड पहचान च, लर्निंग आउटकम च की ध्वनि पहचानते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। तो इसका लर्निंग आउटकम 1 से 9 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कार्य योजना में किस तरीके से लिखेंगे, कविता मुर्गीमा सुनाएंगे, गतिविधि एक जैसी चीज़ें कराएंगे, चित्र चार्ट दंगल पर चर्चा करेंगे, बर्ड पहचान च पर कार्य करेंगे, बोर्ड पर च वर्ड से कुछ शब्द लिखेंगे और बच्चों को इन शब्दों को पढ़ाएंगे, गतिविधि मेज टेबल मापना, ये गतिविधि गणित की है तो इसको कराएंगे, 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ, पाठ्य पुस्तक से 1 से 9 तक की गिनती कविता सुनाएंगे, कार्य पुस्तिका से पेज 25 से 27 के अनुसार कार्य देंगे। अब ये देखिए 12 अक्टूबर को कविता पोस्टर चींटी, लर्निंग आउटकम मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, बर्ड पहचान छ पर कार्य करना है, लर्निंग आउटकम छ की ध्वनि पहचानते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ, लर्निंग आउटकम 1 से 9 तक की संख्याओं को जानते हैं और पहचानते हैं। अब ये देखिए क्रियान्वयन में आप क्या लिखेंगे, कविता पोस्टर चींटी पर चर्चा करेंगे, च वर्ड के साथ कुछ शब्दों का अभ्यास कराएंगे, बर्ड पहचान छ वर्ड पर कार्य करेंगे, कलरअप पेज 26 और कार्य पुस्तिका पेज 28 के अनुसार कल कराई गई गतिविधि की पुनरावृत्ति, हिंदी और गणित के अभ्यास पत्रकों के अनुसार कार्य करेंगे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 12 अक्टूबर में। 13 अक्टूबर में आपको लिखना है, कहानी है बड़ा गुब्बारा, लर्निंग आउटकम सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, बर्ड पहचान ज पर कार्य करना है, लर्निंग आउटकम ज की ध्वनि पहचानते हैं, 1 से 5 तक की संख्याओं को लिखना, लर्निंग आउटकम 1 से 5 तक की संख्याओं को पहचानते हैं और लिख लेते हैं। तो आप इस तरीके से लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। अब ये देखिए कहानी बड़ी गुब्बारा के चित्रों पर चर्चा करेंगे, गतिविधि अंगूठे का खेल कराएंगे, च और छ बर्ड पर अभ्यास कराएंगे, बर्ड पहचान ज पर कार्य करेंगे, कलरअप पेज 26 कार्य पुस्तिका पेज 28 के अनुसार कार्य, गतिविधि वस्तुओं चीज़ों का मापन कराएंगे, 1 से 5 तक की संख्याओं को लिखना। तो यहाँ पर शिक्षण योजना 15 के अनुसार कार्य करेंगे, संख्या.कार्ड पर कार्य कराएंगे, गृह कार्य भी आप लिखेंगे। अब ये देखिए 14 और 15 की छुट्टी है,
तो मैंने यहाँ पर 16 अक्टूबर की डायरी भी आपको दे दी है। कहानी बतख और चूजा, कविता हाथी, लर्निंग आउटकम सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, बर्ड पहचान झ, लर्निंग आउटकम झ की ध्वनि पहचानते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखना, लर्निंग आउटकम 1 से 9 तक की संख्याओं को पहचानते हैं और लिखते हैं। तो और क्रियान्वयन में आप लिखेंगे कहानी बतख और चूजा के चित्रों पर चर्चा, कविता हाथी पर कार्य करेंगे, बर्ड पहचान झ पर कार्य, कलरअप पेज 26 और कार्य पुस्तिका पेज 28 के अनुसार कार्य करेंगे, हिंदी और गणित के कार्य पत्रकों पर अभ्यास कार्य, 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखना, तो शिक्षण योजना 16 के अनुसार कार्य कराएंगे। अब ये देखिए क्लास 3 की कार्य योजना है यहाँ पर, ये देखिए जो कार्य योजना है ये कार्य योजना आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से ली है, तो इसी कार्य योजना के अनुसार आपको कार्य करना है। अलग से आपको कोई भी पाठ्य योजना तैयार नहीं करनी है, वो पाठ्य योजना के रूप में ही दिया गया है आपको। कहानी भालू और मदारी, लर्निंग आउटकम सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, बर्ड पहचान थ ज, लर्निंग आउटकम इन बर्डों की ध्वनि पहचानते हैं, 10-10 के बंडल बनाना और गिरना, लर्निंग आउटकम 10-10 के बंडल बना लेते हैं और गिन लेते हैं। कहानी भालू और मदारी के चित्रों पर चर्चा करेंगे, गतिविधि 1 जैसी चीज़ें कराएंगे, बर्ड पहचान थ और ज पर कार्य करेंगे, थ और ज से बने शब्द बोर्ड पर लिखेंगे और उन्हें 3-4 बार पढ़ेंगे, हिंदी और गणित के कार्य पत्रकों पर अभ्यास, गतिविधि मेज टेबल मापना, 10-10 के बंडल बनाना, शिक्षण योजना 1 के अनुसार कार्य करेंगे। तो मैं ये शिक्षण योजना 1 आपको दिखा देता हूँ। शिक्षण योजना आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 2 से ली गई है। ये देखिए 10-10 के बंडल बनाना और गिनना, यहाँ पर गतिविधियाँ भी दे रखी हैं, किन गतिविधियों के माध्यम से आप समझा सकते हो, पाठ्य पुस्तक का कौन सा पेज पढ़ाना है, कार्य पुस्तिका का कौन सा पेज आपको पढ़ाना है। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।